राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज जंगल अहमद अली उर्फ तुर्रा पिपराइज रोड को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के जांच में फर्जी पाए जाने पर शनिवार को राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाकर कॉलेज को सील करवा दिया। राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक फरार हैं। आपको बता दें कि राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देकर आरोप लगाया था कि 1 से 2 लाख रुपए और डोनेशन एडमिशन फीस वसूलने के साथ परीक्षा नहीं कराने और कॉलेज के फर्जी होने की जानकारी होने पर छात्र छात्राओं ने चक्का जाम कर दिया था। छात्र छात्राएं शहर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीएम ऑफिस के बाहर पहुँच कर धरने पर बैठ गए थे और कॉलेज के खिलाफ नारेबाजी कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर न्याय की मांग किए थे। कॉलेज प्रशासन जिस पत्र का हवाला देकर छात्र छात्राओं का कॉलेज में दाखिला कर रहा था, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने शासन स्तर से चिकित्सा विभाग द्वारा जांच कराया, जो 16 नवंबर 2021 के शासनादेश के आधार पर छात्र छात्राओं का कॉलेज में दाखिला लिया जा रहा था व चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से इस तरह का कोई पत्र जारी नहीं किया गया था वह फर्जी पाया गया है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अपने स्तर से सीएमओ द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग भेजकर गोपनीय जांच कराने के बाद राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज जंगल अहमद अली शाह उर्फ तुर्रा पिपराइज रोड को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीना, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव की संयुक्त टीम गठित कर राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज जंगल अहमद अली शाह उर्फ तुर्रा पिपराइज रोड को 12 मार्च को सील करने का निर्देश दिया, जिस पर अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए नायब तहसीलदार पिपराइज वशिष्ठ वर्मा, अपर सिटी मजिस्ट्रेट अंशुमान सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल राजस्व लेखपाल दिनेश पंकज, अमीन योगेंद्र चौबे सहित स्थानीय पुलिस के साथ पहुंचकर कॉलेज को सील कर दिया। वहीं इस संबंध में दूरभाष पर बात करते हुए एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने कहा कि राज स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता बहाली का शासनादेश फर्जी था। उसने कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार कर छात्रों का एडमिशन लेकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिसको देखते हुए राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाकर कॉलेज को सील कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने कहा, जो आपका राज नर्सिंग होम है उसके अंदर जैसा कि आपने देखा छात्र छात्राओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया था, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से जांच कराई गई, जिसमें ये पाया गया कि इनके जो रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट थे वो कुप्रचित थे। तो इसी प्रकरण को शासन संदर्भित किया गया और जब ये मालूम पड़ा है कि इनके ये रजिस्टर्ड नहीं है और कूटरचित इनका रजिस्ट्रेशन है, तो उसके बाद इनके कोतवाली थाने में 17 दिसंबर को एफआईआर कराई गई और उसी क्रम में जो 11 मार्च डीएम सर का ऑर्डर है उसके क्रम में इनको सीन कर दिया गया। सर, इसमें क्या उनके खिलाफ कोर्सिव एक्शन की भी कार्रवाई कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन? हाँ, कोर्सिव एक्शन की कार्रवाई, जो भी कार्रवाई हो रही है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में, अभी का जो है जितने सारे मिले उसमें इनको सील कर दिया गया, एफआईआर लॉन्च कर दी गई है, आगे जो भी एक्शन होगा डीएम सर के निर्देश पे होगा।